हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास देखिए एक एचपी का लैपटॉप आया है। इसका प्रॉब्लम है कि पावर ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने इसको एडाप्टर में लगा दिया है। मेरे पास डीसी पावर मशीन नहीं है क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ, अपने शॉप पे नहीं हूँ। फिर शॉप पे मेरा डीसी पावर मशीन है, यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए देखिए, मैं एडाप्टर से इसको ऑन किया, यहाँ पर लाइट आया, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। मैंने इसको पहले से खोल करके रखा है, तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसको ऑन किया और फैन चलने लगी, लेकिन ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले, आप देखेंगे डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले भी इनका देखिए प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में भी देखिए, लेकिन डिस्प्ले कुछ तो आना चाहिए लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये पावर ऑन हो रहा है लेकिन नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको हम ट्रबल शूटिंग करेंगे कि इसमें आज क्या प्रॉब्लम है, यही हम आज देखेंगे। चलिए, मैं इसको पहले सबसे पहले इसका मैं रैम चेंज करके देखता हूँ कि रैम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं इसका रैम चेंज कर रहा हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसका रैम निकाल रहा हूँ और दूसरा रैम मैं लगा रहा हूँ। देखिए इधर, देखिए रैम, मेरा रैम अच्छा है, वर्किंग रैम है। ठीक है, इसको मैं लगा रहा हूँ। मैंने रैम को चेंज किया और फिर से ऑन करके देखूँगा मैं। देखिए फैन हुआ लेकिन फिर भी देखिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑन हुआ बोर्ड मेरा लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। फिर भी तो प्रॉब्लम मेरा रैम में नहीं है, कुछ और रहेगा, बोर्ड में प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। ये एचपी का बोर्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अखिलेश यादव द्वारा। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है 19 वोल्ट और 3-5 वोल्ट बन ही रहा होगा। इसका मैं रैम का वोल्टेज चेक करूँगा, सीपीयू का वोल्टेज चेक करूँगा, देखूँगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। और मैं नो डिस्प्ले के संबंधित हर एक वोल्टेज चेक करूँगा जहाँ जहाँ इसका वोल्टेज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आइए मैं इसको वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। फ्रेंड देखिए, बोर्ड मेरा ऑन है, मैं इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। मैं पहले रैम का वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो देखिए, रैम का कॉइल है, देखिए रैम का वोल्टेज 1.5 वोल्ट बिल्कुल सही है, 1.5 वोल्ट। और फिर मैं सीपीयू का वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे भी वोल्टेज ओके है। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए वोल्टेज, देखिए वो भी ओके है, सब ओके वोल्टेज मेरा है। ठीक है, सीपीयू का वोल्टेज ओके है, रैम का भी वोल्टेज ओके है। ठीक है, और यहाँ पे 1.1 वोल्ट आएगा, उसका वोल्टेज मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1.08, ये भी वोल्टेज मेरा ओके है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस आईसी से ये भी मेरा वोल्टेज ओके है। यहाँ पे देखिए एक आईसी है, इसको लोग मॉस्फेट समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आईसी है। ठीक है, तो इसके पिन नंबर 3 पे इसका इनपुट रहेगा 3.3 वोल्ट, देखिए जो कि बन रहा है मेरा। और इसका पिन नंबर 1 पावर बोर्ड रहेगा, लेकिन पावर बोर्ड नहीं आ रहा है, शायद ये हमारा वोल्टेज आउटपुट नहीं, एक पावर 2.5 वोल्ट आउटपुट करेगा पिन नंबर 5 और 6 से, लेकिन यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है, देखें, और देखिए मीटर पे देखिए आप, कोई भी एकदम वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस आईसी में शायद प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वोल्ट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2.5 वोल्ट यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, आईसी को बाहर निकाले बिना यहाँ पे 2.5 वोल्ट मैं यहाँ पे दूंगा, फिर देखता हूँ मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस पर 2.5 वोल्ट दे रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास एक डीसी पावर मशीन है। ठीक है, छोटा वाला है, 15 वोल्ट तक है, वो वायर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2.5 वोल्ट पे इसको सेट कर दिया है और मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। वहाँ पे देखिए, सॉरी, तो देखिए थोड़ा मोटा वायर है, वायर नहीं मिला तो क्या करूँ मैं। ये देखिए, उस वायर पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं इसको 2.5 वोल्ट वहाँ पे दूंगा और फिर देखूंगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए मेरा डीसी जैक चल रहा है, तो मैं यहाँ पे अब इसको वोल्टेज देख के फिर ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हूँ और मैं ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया, मैं आपको मीटर पे चेक कराता हूँ। थोड़ा घर पे इसीलिए दिक्कत हो रहा है, दुकान पे होता शॉप पे तो बात की बात है,
समान नहीं होने के कारण देखें 2.4 वोल्ट, ठीक है 2.5 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, मैं यहाँ पे वोल्टेज देख लिया, अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, अब इसको मैं ऑन करके देख रहा हूँ वोल्ट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए घूमने लगा मेरा, ये देखिए डिस्प्ले आ गया, देखिए अखिलेश यादव जी आ गए, ठीक है पूरे होते वादे। ये देखिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब मेरा प्रॉब्लम उसी आईसी का था, मेरा प्रॉब्लम उस आईसी का था इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड मेरा प्रॉब्लम उसी आईसी से था, 2.5 वोल्ट मेरा वहाँ पे नहीं बन रहा था, इसके लिए मैंने बाहर से देखे डीसी पावर सप्लाई के जरिए मैंने 2.5 वोल्ट दिया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा देखिए लैपटॉप अभी तक ऑन है और मैं इस आईसी को अब चेंज कर दूँगा, चेंज करके दूसरा लगा दूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा जो भी आपको जिससे आपसे रिलेटिव मतलब टीवी या फिर लैपटॉप के जरिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, लेकिन फ़ोन मत करिए प्लीज़, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता। बाद में आप लोग कहीं गुस्सा होंगे कि फ़ोन नहीं उठाता, ऐसे वैसे हुआ काम की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। ठीक है, और व्हाट्सएप करिए, मैं आपको खाली होकर फ्री होकर जब भी देखूँगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तब तक सेफ रहिए, घर पर रहिए, जय हिंद दोस्तों।